सुप्रभात बच्चों, आज हम आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक में से एक नए पाठ का अध्ययन करेंगे, जो कि 11वां लेसन है और पाठ का नाम है नोबेल पुरस्कार। बच्चों, आपने पद्मभूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण, नोबेल, वीर चक्र ऐसे आदि पुरस्कारों के नाम आपने सुने ही होंगे, और यह पुरस्कार क्यों दिया जाता है यह भी आपको पता ही होगा। क्यों दिया जाता है? क्योंकि जैसे कि अलग अलग क्षेत्र, क्षेत्र यानी फील्ड, जैसे खेल, विज्ञान, साहित्य, शिक्षा, उद्योग, समाज सेवा, ऐसे विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोग जब अपना विशिष्ट योगदान समाज के लिए देते हैं, तो इसलिए हर साल यह पुरस्कार उनको सम्मान करने के लिए ऐसे अनेक पुरस्कार दिए जाते हैं। तो हम इस पाठ में नोबेल पुरस्कार क्यों दिया जाता है और इसकी शुरुआत कब हुई और इसकी शुरुआत किसने की, और ही साथ ही साथ नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, यह इस हम पाठ के माध्यम से देखेंगे और थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए देखेंगे। नोबेल पुरस्कार विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। यह पुरस्कार अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल के नाम पर दिया जाता है। तो बच्चों, यह नोबेल पुरस्कार जो है यह क्या है? भारत मतलब विश्व का, विश्व यानी पूरी दुनिया का सर्वोच्च बड़ा, सर्वोच्च यानी बहुत बड़ा पुरस्कार है। और यह पुरस्कार एक साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल, उनके नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। तो यहाँ पर यह पुरस्कार पांच क्षेत्र, क्षेत्र यानी फील्ड में जो लोग काम करते हैं, जैसे कि साहित्य, साहित्य यानी लिटरेचर, भौतिकी फिजिक्स, रसायन यानी केमिस्ट्री, चिकित्सा यानी चिकित्सा विज्ञान यानी मेडिकल, और अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स, ऐसे पांच क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों और उन संस्थाओं को उनके सर्वोच्च योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, अल्फ्रेड नोबेल के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेंगे। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल का जन्म 1833 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुआ था। 18 वर्ष की आयु में वे रसायन की पढ़ाई करने अमेरिका गए। तो यह नोबेल पुरस्कार जिनके नाम पर दिया जाता है, तो अल्फ्रेड बर्नार्ड, तो उनका जन्म कब हुआ था? 1833 यानी 1833 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुआ था। और वो क्या हो जाते हैं, जब 18 वर्ष के हो जाते हैं तो अपनी पढ़ाई के लिए, रसायन यानी केमिस्ट्री की पढ़ाई के लिए, वह कहाँ से? स्टॉकहोम से अमेरिका चले जाते हैं। तो अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल ने 1867 में डायनामाइट की खोज की। नोबेल ने अपनी ज़िंदगी में लगभग 355 आविष्कार किए हैं। सबसे ज़्यादा शोहरत और दौलत उन्हें डायनामाइट के आविष्कार ने दी है। तो अल्फ्रेड बर्नार्ड जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने पूरी ज़िंदगी में क्या किया है? 355 यानी 355 क्या किए हैं उन्होंने? आविष्कार, यहाँ पर आविष्कार यानी खोज, नए नए खोज, इन्वेंशन कहते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने नए नए आविष्कारों की खोज किए हैं। कितने किए हैं? 355। पूरी ज़िंदगी में उन्होंने 355 ऐसे नए नए इन्वेंशन किए हैं। और पर उन्होंने
जो 1867 में जब डायनामाइट की खोज की थी, तो उस खोज की वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा शोहरत यानी प्रसिद्धि, तो डायनामाइट की खोज से वो बहुत फेमस हो गए थे। और साथ ही साथ उन्हें डायनामाइट की खोज से ही बहुत सारी दौलत दौलत यानी धन संपत्ति प्रॉपर्टी इस डायनामाइट की खोज से मिली थी। तो दिसंबर 1896 में अपनी मृत्यु के पहले अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा उन्होंने एक ट्रस्ट के लिए सुरक्षित रख दिया था। उनकी इच्छा थी कि इस पैसे के ब्याज से प्रत्येक वर्ष उन व्यक्तियों का सम्मानित किया जाए जो मानव जाति के कल्याण हेतु कार्य करें। तो जो अल्फ्रेड बर्नार्ड ने अपने मृत्यु के पहले अपनी संपत्ति संपत्ति यानी अपना जो प्रॉपर्टी था उसका एक बड़ा हिस्सा उन्होंने एक ट्रस्ट को दे दिया था। और उनकी एक इच्छा थी, इच्छा यानी विश, उनकी एक विश थी कि उनकी मृत्यु के बाद हर वर्ष क्या किया जाए, जो उन्होंने ट्रस्ट को पैसा दिया था उन पैसों के ब्याज से, ब्याज यानी इंटरेस्ट से क्या किया जाए, उन व्यक्तियों का सम्मान किया जाए जो मानव जाति के कल्याण के लिए, कल्याण यानी जो भलाई, जो मानव जाति के लिए जो अच्छा काम करते हैं उन लोगों और संस्थाओं को कुछ पैसे और प्रशस्ति देकर उन्हें सम्मान किया जाए। ऐसी उनकी क्या थी, अल्फ्रेड बर्नार्डो की एक इच्छा विश थी। तो नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 29 जून 1900 को हुई तथा 1901 से पुरस्कार दिया जाने लगा। तो उनकी इच्छा के अनुसार जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो जो उन्होंने ट्रस्ट को जो अपना एक प्रॉपर्टी का हिस्सा दिया था, तो उस उनके अनुसार क्या हो जाता है, उनकी इच्छा के अनुसार उनके मृत्यु के बाद 29 जून 1900 में उनके ही नाम से यानी नोबेल नाम से एक फाउंडेशन की वो जो ट्रस्ट थे वह स्थापना करते हैं। और 1900 में इस फाउंडेशन की स्थापना होती है और 1901 से उनके इच्छा के अनुसार, उनकी इच्छा क्या थी, जो मानव जाति के लिए जो अच्छा करते हैं उन्हें क्या किया जाए, उनके पैसों से, उनके जो ब्याज से जो पैसे आते हैं उनसे प्रशस्ति पत्र और पैसे देकर उनका सम्मान किया जाए जो मानव जाति का अच्छा करते हैं। तो उनकी इच्छा के अनुसार क्या हो जाता है, 1901 से नोबेल पुरस्कार देने का जो प्रथा शुरू हो गई। जब 1896 में उनकी मृत्यु हो जाती है और 1900 में नोबेल फाउंडेशन की स्थापना हो जाती है और 1901 से यह नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगता है। तो इस फाउंडेशन में 5 लोगों की टीम है। इसका प्रमुख स्वीडन के किंग ऑफ काउंसिल द्वारा तय किया जाता है। अन्य 4 सदस्य पुरस्कार वितरक संस्था के ट्रस्टियों द्वारा तय किए जाते हैं। तो यह फाउंडेशन के जो लोग काम करते हैं वह कितने लोग हैं, यहाँ पर 5 लोग की टीम यहाँ पर काम करती है। और उन 5 लोगों में जो प्रमुख रहता है, जो हेड चीफ रहता है, उनका चुनाव कौन करते हैं, किंग ऑफ काउंसिल द्वारा उनका उस प्रमुख मतलब हेड का चुनाव किया जाता है। और सिलेक्शन, चुनाव यानी सिलेक्शन, किंग ऑफ काउंसिल द्वारा उनके हेड का, उस फाउंडेशन के हेड का चुनाव हो जाता है। और अन्य 4 जो रहते हैं जो फाउंडेशन के लिए काम करते हैं, वह जो ट्रस्ट के ट्रस्टी रहते हैं, ट्रस्ट के मेंबर रहते हैं, उनके उनके द्वारा अन्य 4 सदस्यों का चुनाव किया जाता है। तो स्वीडन के राजा अपने हाथों से यह पुरस्कार प्रदान करते हैं। यह पुरस्कार अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर को दिया जाता है। तो यह हर साल कौन देते हैं यह पुरस्कार, स्वीडन के राजा अपने हाथों से यह पुरस्कार प्रदान प्रदान यानी देना। तो हर साल
स्वीडन के जो राजा रहते हैं वो अपने हाथों से यह पुरस्कार देते हैं। और यह पुरस्कार कब देते हैं, जब नोबेल जी की मृत्यु हुई थी। कब हुई थी, 10 दिसंबर को उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उस दिन उनकी पुण्यतिथि के दिन क्या हो जाता है, यह पुरस्कार लोगों को वितरित किया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिस्ट है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय। यहाँ पर हमारे भारत में किन किन लोगों को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है, यहाँ पर एक सूची दी, लिस्ट दी गई है, तो हम देखेंगे। तो सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले गैर यूरोपीय व्यक्ति थे। यानी 1900 में नोबेल फाउंडेशन की स्थापना हो गई और 1901 से क्या होने लगा, पुरस्कार देने का शुरू हो गया। तब क्या था, केवल एज यूरोप में रहने वाले लोगों को ही यह नोबेल पुरस्कार दिया जाता था। पर पहली बार हमारे भारत में ही नहीं, पूरे एशिया में पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर को यह नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। कब, 1913 में, यानी 12 साल के बाद भारत में पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर को यह नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। उनकी जो किसके लिए, किस फील्ड के लिए, लिटरेचर के लिए, मतलब उनकी जो कृति गीतांजलि थी उसके लिए उन्हें यह नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इसी के साथ साथ यहाँ पर सीवी रमन को 1930 में फिजिक्स के क्षेत्र में यह नोबेल पुरस्कार मिला है। और हर गोविंद खुराना को 1968 में मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। और मदर टेरेसा को 1979 में शांति के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। तो मदर टेरेसा का आपने नाम सुना है, जो दुनिया में गरीबी और संकट से उभारने के लिए उन्होंने क्या किया, बहुत लड़ाई की थी। तो उन्हें उभारने के लिए, उनके योगदान के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को सैद्धांतिक, यहाँ पर सैद्धांतिक यानी फिजिक्स के अनुसंधान के लिए उन्हें 1983 में यह पुरस्कार दिया गया है। अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र के लिए मिला है। साथ ही साथ वीएस नायपॉल को 2001 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और 2007 में आरके पचौरी को पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने के हेतु पुरस्कार मिला है। और वेंकटरामन रामकृष्णन को 2009 में केमिस्ट्री के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। और कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति के लिए यह पुरस्कार मिला है। तो कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन चलाते थे, तो सभी को शिक्षा के अधिकार मिले इसलिए उन्होंने बहुत प्रयत्न किया था। तो सभी को शिक्षा के अधिकार के लिए उन्हें यह नोबेल पुरस्कार 2014 में दिया गया था। तो बच्चों, आपको पता चल गया कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किसने की थी और किस वैज्ञानिक ने इसकी शुरुआत की थी, और हमारे पहले भारतीय नोबेल पुरस्कार पाने वाले कौन थे। ये सभी की जानकारी आपको इस पाठ से मिल गई होगी। तो बच्चों, आगे हम इस पाठ के मौखिक और लिखित प्रश्नों को देखेंगे। धन्यवाद।